मुरादाबाद में रामगंगा नदी के किनारे पुलिस और हिस्ट्री शीटर की मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं उसके कब्जे से बाइक और पिस्तौल भी बरामद हुआ है। सूचना मिलने पर अस्पताल पहुंचे परिजन झूठी मुठभेड़ का आरोप लगाते हुए पुलिस कर्मियों से भिड़ गए। इस दौरान जमकर नोकझोंक भी हुई। आज क्या हुआ? मैं कचहरी में तारीख करने आया था। मुझे संजय सिंह दरोगा मिले, सतबीर पहलवान थे, 197 सिपाही था सादा वर्दी में, एक सादा वर्दी में विवेक सिंह मौका साजापुर के एड्रेस बताया था मुझे पूरा। इन्होंने मुझे लेके गए मसूर उठा के वहाँ पर, फिर मुझे रामपुर दुराज चौकी पे लेके गए। रामपुर दुराज चौकी पे हिस्ट्री सेटर बिक्की आया सही है, और मोनू आया, पोता आया और मंत्री आया। इन्होंने इनसे बात करी कमरे में बैठ के, उसके बाद इन्होंने मेरी किसी बात नहीं कराई। मैं इनसे कह भी दिया मेरे घर पर फ़ोन करो, पर इन्होंने मेरे घर पर फ़ोन नहीं करने दिया किसी ने भी। तब ये मुझे मोह से लेके आए। अब 10 बजे इन्होंने मुझे मोह से निकाला, आधे घंटे रामगंगा पुल पर खड़ा करा। वहाँ पे मैं इन्होंने मेरी गाड़ी पे वायरलेस कर रहे थे, तो मैं इनसे कह भी दिया था मैंने ये गाड़ी का नंबर तो मेरा है, मैंने जो सुबह तुमने लिए, बोले नहीं नहीं तेरा नहीं है किसी और का है। तो जब जाके इन्होंने मुझे रामगंगा पुल पे बोरी बांध के जब मेरी गोली मारी है। अच्छा, कहाँ पे? रामगंगा पुल पे, संजय सिंह दरोगा ने। हाँ, साथ में उनका 907 सिपाही है एक सादा वर्दी में। सर, पुलिस और बदमाशों के बीच कहां पर मुठभेड़ हुई है और किस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? आज थाना गलछे क्षेत्र में संबल चौराहे पर सराय के फाटक के नीचे थाना गलछे पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। इसी चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति आया जिसको कि रोकने का प्रयास किया गया, तो वो पुलिस को चकमा देकर तेज स्पीड से भाग गया। उसी क्रम में थाना गलछे पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया और तत्काल वायरलेस के द्वारा सूचना देकर आगे जो कटघर पुलिस चेकिंग कर रही थी उन्हें सूचना दी गई कि इस तरह एक बदमाश जो बाइक पर फरार हुआ है, जिस संबंध में कटघर पुलिस द्वारा तुरंत नाकाबंदी करके उसे पकड़ने का प्रयास किया गया। स्वयं को गिरता हुआ देखकर उस व्यक्ति ने बाइक पर जो है रामगंगा पुल पार करने के बाद कच्चे रास्ते से भागने का प्रयास किया। जब उसने खुद को पकड़ा और पकड़ने का उसे अनुमान हुआ तो उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। 2 राउंड पुलिस पार्टी पर फायरिंग किए गए। आत्मरक्षार्थ जब फायरिंग 1 राउंड फायर किया गया तो उसे एक गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल भेज दिया गया। यहाँ पर घटनास्थल पर हम लोग मौजूद हैं, फसल की टीम आ रही है, बाकी जो विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। सर, क्या बरामदगी हुई है बदमाश से? इससे बाइक जिस पर चल रहा था इसके हाथ में एक अवैध तमंचा था जिसमें कि जिससे कि 2 राउंड फायर हुआ वो कारतूस बरामद हो गए, बाकी जो जिंदा राउंड उसकी मैगजीन होंगे वो बरामद है। सर, तमंचा है या पिस्टल है? पिस्टल बरामद हुई है और ये थाना कटघर क्षेत्र का HS है। जब पकड़े हुए बदमाश पर क्या आपराधिक इतिहास है इसका या किन घटनाओं में शामिल था, ऐसा कोई जानकारी पुलिस के पास है? ये थाना कटघर क्षेत्र का HS है जिस पर कि लगभग अभी तक की जानकारी के अनुसार लगभग 1 दर्जन मुकदमे संपत्ति संबंधी अपराध, चोरी, डकैती, गैंगस्टर और 307 हत्या के प्रयास के कायम।